तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन का एक नया ऑफर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर आपको एक दो तीन चार नहीं बल्कि पूरे 32 ओ टी टी एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं, वो भी ओनली 129 रुपीज़ में, यानी कि 129 रुपये में। ऑफ़र क्या है, कहाँ पे आपको मिलेगा, कूपन कोड क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, सब कुछ बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑफ़र आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए, आप पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, तो चलिए जो ऑफ़र है वो आपको पेटीएम एप्लीकेशन में ही मिलने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने भी पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद में दोस्तों जब भी हम पेटीएम का यूज़ करके पेमेंट वगैरह करते हैं तो बदले में हमें कैशबैक पॉइंट्स तो ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा है कैशबैक का ऑप्शन, जिसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में ये रहा कैशबैक पॉइंट, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा ऑफ़र्स ऑन गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट का। देखिए यहाँ पे आपको कई सारे ऑफ़र्स देखने के लिए मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा स्लाइड करते जाना है। तो जब आप स्लाइड करेंगे तो देखिए आपके सामने ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन का जो ऑफ़र है वो आ जाएगा। अब ऑफ़र क्या है उसकी कंप्लीट डिटेल भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपको ओनली 129 रुपये में 32 ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं। इसे रिडीम करना है, बस आपको कितने पॉइंट लगेंगे, एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट के बदले में आप इस ऑफ़र को रिडीम कर लेंगे, और रिडीम करने के बाद में आपके पास में जो कूपन कोड है वो आ जाएगा। तो चलिए मेरे पास में काफ़ी पॉइंट है, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट तो लग रहा है, सबसे पहले तो मैं इसे रिडीम कर लेता हूँ। और रिडीम करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि कैसे आपको रिडीम करना है। मगर आपको घबराने की टेंशन नहीं है, पूरी प्रैक्टिकल कैसे रिडीम करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मगर उससे पहले यहाँ पे मैं पहले इसे रिडीम तो कर लूँ। तो चलिए मैं एक पॉइंट के बदले में इसे रिडीम कर लेता हूँ, और जो कूपन कोड है वो भी देखिए यहाँ पे आ चुका है। सिंपल सा है, इस कूपन कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जिन लोगों के पास में पेटीएम में कैशबैक पॉइंट्स नहीं है, या फिर वो लोग जो कि पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते हैं, तो टेंशन नहीं, बस आपको कमेंट कर देना है, एक ही पॉइंट तो लग रहा है, मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कूपन कोड को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में हमें आना है बैक आने के बाद में हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है, और सर्च बार में जा करके यहाँ पे हमें सर्च करना होगा ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन को। सिंपल सा आपके सामने ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन आ जाएगी, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, आपको आपके मोबाइल नंबर पे ओ टी पी मिलेगा, ओ टी पी को सबमिट कर देना है, और आप ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए ऊपर ही ऊपर होम पेज पे आपको सब्सक्राइब करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद में ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको तीन तरह के प्लान देखने के लिए मिलने वाले हैं, पहला जो है मंथली प्लान, दूसरा है क्वार्टरली प्लान, क्वार्टरली यानी कि तीन महीने का प्लान, और यहाँ पे ईयरली प्लान है जो कि हम सभी को पता है 12 महीने का प्लान ये होता है। तो ये जो ऑफ़र हमें मिला है वो हमें मिला है मंथली प्लान पे। तो चलिए हमें मंथली प्लान के ऊपर स्विच करना है, और स्विच करने के बाद में ऊपर ही ऊपर यहाँ पे देखिए पावर प्ले मंथली प्लान, जिसके अंदर पूरे 32 ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं। मगर अगर हम इसे सेपरेट बाय करते हैं, यानी कि विदाउट ऑफ़र के, तो इसकी जो प्राइस है जो कि है 299 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने का प्राइस है लगभग 300 रुपये, मगर यहाँ पे मैं आपको ओनली 129 रुपये में दिलाने वाला हूँ। कैसे, तो चलिए यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ का ऑप्शन है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको 34 ओ टी टी प्ले एप्लीकेशन के जो सब्सक्रिप्शन मिलेंगे वो यहाँ पे सारे के सारे मेंशन किए गए हैं। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे प्लस 300 से प्लस यहाँ पे आपको लाइव टीवी चैनल्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमें नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे हमें अप्लाई कूपन्स करके एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अभी हमने जो पेटीएम एप्लीकेशन में जो ऑफ़र रिडीम किया है उसके अंदर जो हमें कूपन कोड मिला है, सो यहाँ पे मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद में नीचे अप्लाई का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद में सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सके हैं कि लाइव यहाँ पे 170 रुपये की हमने बचत कर ली है। तो 170 रुपये जो है वो हमारे सेव हो चुके हैं। इसके बाद में नीचे थैंक्स का ऑप्शन है, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगी, जो कि है
कि पहले महीने तो आपको 129 रुपीज़ यानी कि 129 रुपये देने होंगे, मगर अगले महीने अगर आप सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको 299 रुपीज़ पे करने होंगे। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो ऑफ़र है वन टाइम है, यानी कि वन मंथ के लिए है। तो वन मंथ के बाद में आप चाहे तो मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 299 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। मगर एक ऐसा तरीका भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा जिससे कि आप इसी सब्सक्रिप्शन को ओनली 129 रुपीज़ में दोबारा भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 129 रुपीज़ की करनी है पेमेंट, 129 रुपये की पेमेंट करनी है, और पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, और अगर यहाँ पे आप चाहते हैं यूपीआई से पेमेंट करना तो भैया आपको यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। मगर यहाँ से अगर आप यूपीआई का ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आपका जो ऑटो पे फीचर है वो इनेबल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने 129 रुपीज़ की पेमेंट कर ली, सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट कर लिया, अब करने के बाद में आपके एक महीने पूरे हो गए। होने के बाद में ऑटोमेटिक अगर आपको याद नहीं आया मेंबरशिप को कैंसिल करना तो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, वो भी 299 रुपीज़। तो ये मतलब होता है ऑटो पे फीचर का। अब इसके बाद में दोस्तों जैसे ही हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में हमारा सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है, देखिए होम पेज पे OTT प्ले पार्टनर, यहाँ पे जो भी इनकी पार्टनर एप्लीकेशन हैं वो सारी की सारी देखने के लिए मिलेंगी। तो अब आप जिस भी एप्लीकेशन के प्रीमियम कंटेंट को देखना चाहते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं सोनी लिव के प्रीमियम कंटेंट को देखना चाहता हूँ, तो सिंपल सा है, सोनी लिव के बैनर पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद में सोनी लिव के जितने भी प्रीमियम कंटेंट है वो सारे के सारे मेरे सामने अवेलेबल हो चुके हैं। अब जिसे भी मुझे देखना है बस इसके ऊपर मुझे टैप करना होगा, ये मुझे सोनी लिव एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट कर देगा, यानी कि हमें सोनी लिव एप्लीकेशन को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा देखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो काम करने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम OTT प्ले एप्लीकेशन को अपने स्मार्ट टीवी में भी चला सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, और कैसे चलाते हैं, कैसे लॉगिन करना है, इसके रिगार्डिंग वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप भी अपने स्मार्ट टीवी में OTT प्ले एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, ये रही वीडियो, इस वीडियो को देख लीजिएगा ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों ये था OTT प्ले एप्लीकेशन का एक और न्यू ऑफर, जिसके अंदर आपको पूरे 32 OTT प्ले एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ 300 से प्लस लाइव टीवी चैनल भी आप देख सकेंगे। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ऑफर पसंद आया है तो इसी बात पे वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसके रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पर सेट कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए।